दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ई इनवॉइसिंग के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा शो किया है क्लियर टैक्स ने। तो दोस्तों हम सभी को पता है भी गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से अगर आपकी कंपनी की जो टोटल टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है तो आपको ई इनवॉइसिंग अपने B2B यानी कि ऐसे कस्टमर जिनके पास में GST नंबर है उनको अब सिंपल इनवॉइस की बजाय आपको ई इनवॉइस है जो देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये बातें सीखने वाले हैं भी ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या है और ई इनवॉइसिंग को हम किस तरीके से पोर्टल पर जनरेट करते हैं और किस तरीके से उसका IRR नंबर हमें मिलता है और किस तरीके से उसका QR कोड भी जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दोस्तों आप एक नए अकाउंटेंट हो तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम ई इनवॉइसिंग के बारे में सारे टॉपिक है जो क्लियर करेंगे और किस तरीके से हम क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ई इनवॉइस को बहुत ही इजीली तरीके से जनरेट भी कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज अभी कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में भी ई इनवॉइसिंग है क्या और किसको ये इनवॉइसिंग देना पड़ेगा। तो दोस्तों ई इनवॉइसिंग ये जो है अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा की है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसकी जो लिमिट रखी थी वो 500 करोड़ की रखी थी, उसके बाद में इसको 100 करोड़ में रखा गया और उसके बाद में 50 करोड़ पे इसको ले आए। तो दोस्तों अगर आप ये मत सोचना भी आपकी जो कंपनी है उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा कम है तो आप पे ई इनवॉइसिंग की लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से सीखना जरूरी है। इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट अगर 500 करोड़ से इसको 50 करोड़ पर ला सकती है तो इसको गवर्नमेंट 10 करोड़ पर भी लेके आ सकती है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की। तो दोस्तों ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है भी आपको अपने सॉफ्टवेयर में ये इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली किसी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, आपको इनवॉइस अपने सिस्टम पर भी बनाना पड़ेगा यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आपको उस कस्टमर का इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास में GST नंबर है तो आपको उस इनवॉइस को पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है ई इनवॉइसिंग की वहां पर उस इनवॉइस को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप उस पोर्टल पर इसको रजिस्टर्ड करोगे तो उस पे आपको एक 64 डिजिट का IRR नंबर मिलेगा और साथ में QR कोड मिलेगा, तो वो आपको अपने इनवॉइस पे प्रिंट करना होगा और वो इनवॉइस अपने कस्टमर को दोगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भी अगर ई इनवॉइसिंग कस्टमर को नहीं देंगे तो इसका क्या नुकसान होगा। दोस्तों अगर आप अपने कस्टमर को ई इनवॉइसिंग अगर आप पर आप नहीं देते हो यानी कि आपने जैसे भी अपने टैली सॉफ्टवेयर में इनवॉइस आपने बनाया है और वही इनवॉइस आपने प्रिंट आउट है जो अपने कस्टमर को दे दिया, लेकिन इसका नुकसान आपके कस्टमर को होगा यानी कि जो आपका बायर्स है उसको, बायर्स का नुकसान ये होगा भी उसको उस टैक्स का ITC है जो उसका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका जो बिजनेस है अपने कस्टमर के साथ वो भी काफी खतरे में आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों अब टर्नओवर में इसकी जो लिमिट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कि आपने अपने कस्टमर को 5 रुपए का भी सामान अगर सेल किया है तो भी आपको उस पोर्टल पर जाके उसका IRR नंबर है जो जनरेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक जैसे कि हम ईवे बिल बनाते आ रहे हैं तो ईवे बिल का जो फंडा था वो यही था भी अगर हम किसी कस्टमर को 50,000 रुपये से ज्यादा की अगर कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो हमें ईवे बिल है जो इशू करना पड़ता था, लेकिन इसमें अब किसी टाइप की सेल अमाउंट की है जो कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप 1 रुपए की सेल कर रहे हो चाहे आप उस पर 5 लाख रुपए की सेल कर रहे हो तो जो IRR नंबर है वो जनरेट करके देना पड़ेगा ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पर। तो अब केवल जो IRR नंबर वो आपके गुड सेल करोगे B2B तभी आपको जनरेट करना है, ये B2C के लिए जरूरी नहीं है। ये कि आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, नॉर्मल कस्टमर है तो आपको पोर्टल पर इसका ई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, आप अपने सिंपल सॉफ्टवेयर में से जो प्रिंट आउट आपका निकलेगा वही इनवॉइस उसको दे सकते हो। लेकिन अब दोस्तों बात आती है कि हम ई इनवॉइस को बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको, अब वैसे तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने ये फैसिलिटी देनी शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप टेली सॉफ्टवेयर के यूजर हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब आपके शो करेगा आपके साथ में क्लियर टैक्स। तो दोस्तों जैसा कि हम टेली सॉफ्टवेयर में GST पोर्टल पर जाते हैं
और हमारे पास टेली सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक जीएसटी ओपन जीएसटी पोर्टल पे जाने के लिए एक टेली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एक बटन बना होता है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम हमारे डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। अभी आप देख रहे हो मैंने क्लिक किया तो हम डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पर आ गए, यानी कि हमें ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ अभी हमने कोई थर्ड पार्टी टेली सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज किया या फिर इसको ब्राउजर को ओपन किया और उसके बाद में जीएसटी की हमने वेबसाइट टाइप करी और बाद में हम यहां तक पहुंचे हो। तो यानी कि हमने एक क्लिक के साथ ही यहां पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टेली सॉफ्टवेयर के यूजर हो तो अगर आप क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर को परचेज करोगे तो आपको यहां पर जैसे आपके पास जीएसटी पोर्टल का आ रहा है वैसे अब यहां पर आपके पास में क्लियर टैक्स का भी बटन है जो ऐड कर दिया जाएगा ईवे बिल के पोर्टल पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। दोस्तों वैसे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जाके ईवे बिल है जो सॉरी ईवे इनवॉइस है जो जनरेट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली वहां पर नहीं जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्लियर टैक्स की सॉफ्टवेयर के थ्रू ई इनवॉइस है जो जनरेट कर लोगे इजिली। दोस्तों क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर यूज करने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा भी, अब मान लीजिए आज आपने अपने कस्टमरों को यानी कि 50 आपके पास रजिस्टर्ड कस्टमरों को आपने सेल किया है तो आपको हर कस्टमर को एक एक मतलब कस्टमर को सिलेक्ट करके एक एक इनवॉइस को सिलेक्ट करके पोर्टल पर जाके सारा डाटा आपको जो डाटा आपने सॉफ्टवेयर में फीडिंग करी है टेली सॉफ्टवेयर में उसी डाटा को आपको पोर्टल पर भी जाके फीडिंग करनी पड़ती है। दोस्तों वैसे तो इसका एक्सेल यूटिलिटी भी होती है। अब जैसे आप एक्सेल यूटिलिटी जैसे मैंने ओपन करी है तो जैसे आप इस पर इनवॉइस करोगे जैसे कि आप यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे इसको ई इनवॉइस के। अगर हम नया इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो न्यू इनवॉइस पर जाएंगे और उसके बाद में ये सारी हमें जो मैंडेटरी है वो सारी ऑप्शन हमें फिलअप करना यहाँ पर पड़ेगा एक एक इनवॉइस का। और आपने आज के दिन में 50 ऐसे रजिस्टर्ड पर्सनों को सेल किया तो आपकी जो बर्डन है वो सीधा ही दोगुना होगी क्योंकि सेम डाटा आपने पहले टेली सॉफ्टवेयर में अपने डाटा फीडिंग किया इनवॉइस तैयार किया फिर आपको सेम वो पोर्टल पर भी जाके टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर है वो आपकी हेल्प करेगा, यानी कि आपने एक दिन में चाहे 50 इनवॉइस जनरेट कियो चाहे आपने 100 कियो चाहे 5 कियो तो सभी का आपके वन टाइम एक ही सिलेक्ट के साथ आप डायरेक्टली क्लियर टैक्स के आप इस सॉफ्टवेयर पे जाओगे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर जो क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर है वो सभी आपको इनवॉइस टू इनवॉइस सारे ई इनवॉइसिंग जनरेट कर देगा और सभी पर आईआर नंबर भी जनरेट करके और क्यूआर कोड भी आपको बिल्कुल रेडी करके तैयार कर देगा। तो यानी कि आपकी जो मेहनत है वो काफी हद तक बच जाएगी। अगर आप मैन्युअली रूप से टाइप करोगे तो आपको काफी ज्यादा अलग से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ई इनवॉइसिंग की। तो ई इनवॉइस का दोस्तों स्पष्ट यहां पर गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है भी क्लियर टैक्स की तरफ से भी आपका फेक आईटीसी है और फेक इनवॉइस है उसको क्रब करने के लिए ई इनवॉइस जरूरी है। और इस तरीके से अब गवर्नमेंट का यह भी मानना है भी आपकी जो इजी ऑफ कंप्लायंस है यानी कि जो आपका कंप्लायंस है वो इजी रहने वाला है। तो इजी तो भाई कहाँ रहने वाला है, थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन अगर आपके साथ में क्लियर टैक्स खड़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये मिलेगा कि जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग तैयार करोगे अपने रजिस्टर्ड पार्टी का तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपके GSTR1 के B2B के डाटा में ऑटोमेटिक जो चलता जाएगा। तो जैसे कि अभी तक हम GST रिटर्न में जो B2B का पार्ट हम तैयार करते हैं और B2 पार्ट के अंदर हम उन सभी रजिस्टर्ड पार्टियों की डिटेल हम देते हैं, पार्टी का नाम है, उसके बाद GST नंबर है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस की वैल्यू है, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही हमारे ई इनवॉइसिंग बनाते वक्त पोर्टल पर सेव कर दी। तो ये जो डाटा है वो डाटा ऑटोमेटिक आपके GSTR1 के B2B में ऑटोमेटिक ही चलता जाएगा। तो दोस्तों इसका सबसे बेनिफिट आपको ये मिलेगा भी आपका जो बायर्स है उसको इसका ITC वो इजिली मिल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों ईवे बिल की, अगर आपने B2B पार्टी को जो इनवॉइस किया है और उस वैल्यू की जो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है इनवॉइस की तो उसका ईवे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर टैक्स की तरफ से सबसे बड़ा एक बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों ईवे बिल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करी है, ईवे बिल अभी तक जैसे बन रहा था सेम उसी वही तरीका रहेगा, लेकिन अब ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर है जो 50 करोड़ से ज्यादा की है। तो दोस्तों आपको जो 50 करोड़ की जो टर्नओवर है वो किसी भी अगर जैसे जब से GST लागू हुई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक इसके दौरान किसी भी ईयर में
आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा की रही है तो आप पे भी ई इन्वॉइसिंग की लाइबिलिटीज आ जाएगी। आपको आपको ये को जस्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का नहीं देखना है भी, हमारी जो 2021 के अंदर टर्नओवर है वो कम थी, 50 करोड़ से कम थी, हमारी ई इन्वॉइसिंग की लाइबिलिटीज खत्म हो जाती, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें आईटीसी वेरिफिकेशन का, यानी कि सब चैनल रिड्यूस इन आईटीसी वेरिफिकेशन इश्यू सेम डाटा विल बी फॉलोइंग जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 ए बी, यानी कि आपके जीएसटीआर 1 का डाटा और आपके वायर्स का जीएसटीआर 2 में ऑटोमेटिक डाटा जो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। दोस्तों उसके बाद में काफी सारे इसको इसमें क्यूआर कोड भी आपका जनरेट होगा, तो यानी कि अब जैसे एक्सेल में आप इस टाइप की फीडिंग करोगे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेव करने पड़ेंगे और उसके बाद में सब कुछ आपको दिखाएगा भी पेंडिंग इनवॉइस आपके कितने हैं, जनरेटेड कितने गए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है भी जल्दबाजी में हमने हमारे कस्टमर को बिना आईआरएन जनरेट किए भी हमने टेली सॉफ्टवेयर से जो प्रिंट आउट निकला वही दे दिया, लेकिन हमने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया पोर्टल पे। रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है दोस्तों, अब तभी आपके वो उस कस्टमर का जो इनवॉइस है वो वैलिड माना जाएगा, बगैर आईआरएन का वो इनवॉइस है वो कोई काम का नहीं है, वो एक केवल कोरा कागज है। तो दोस्तों जैसे ही हम ई इनवॉइस जनरेट कर देंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इनवॉइस आ जाएगा, इसमें आप देख रहे हो आपको क्यूआर कोड भी यहां पर नजर आ रहा है, तो ये क्यूआर कोड भी यहां पर जो क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद में ये आईआरएन नंबर होता है ये जो कि 64 डिजिट का है, इसमें आपको कुछ अल्फाबेट की कुछ न्यूमेरिक की आपको यहां पर मिलेगी, तो ये टोटल 64 डिजिट का आईआरएन नंबर मिलेगा, ये इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वैसे तो आप ई इनवॉइसिंग जनरेट के लिए डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वेबसाइट पर जाने के लिए हम अगर आपको इसका प्रॉपरली यूआरएल नहीं पता तो आप गूगल पे जाके अगर हम इस पर लिखेंगे भी ई इनवॉइस पोर्टल तो आपको डायरेक्टली ये ई इनवॉइस के पोर्टल पर आपके सामने काफ़ी सारे जो लिंक है वो ओपन हो जाएंगी ई इनवॉइस सिस्टम पर। इस पर हम पहली लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर ले आएगा ई इनवॉइस गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई इनवॉइस सिस्टम पे। तो इस पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद में आपको वही सारी मैंडेटरी ऑप्शन है जो सारी फिलअप करनी पड़ेगी इस तरीके की। इसमें जैसे कि अब ईवे बिल के अंदर जो सिस्टम हमने फीडिंग करते आ रहे हैं सेम लगभग वही डाटा रहेगा, सप्लायर्स की जो डिटेल है उसमें जीएसटी नंबर, सप्लायर्स का एड्रेस रहेगा, उसके बाद में जो आपके बायर्स है बायर्स का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसके लोकेशन, वो सब कुछ मैंडेटरी रहेगा। इनवॉइस का नंबर, गुड्स का नाम क्या है, उसका एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसके अंदर कितने परसेंटेज वाला गुड्स है, कितना सीजीएसटी है, कितना एचजीटी है, वो सब कुछ आपको अपने जो टेली सॉफ्टवेयर में से जो इनवॉइस जनरेट हुए उस इनवॉइस के साथ आपको मैच करना है। और उसके बाद में ही आपको जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर आपके ऑप्शन आपको मिलेंगे काफी जैसे जनरेटेड ई इनवॉइस पे, तो जनरेट इनवॉइस करोगे तो आपके सामने इनवॉइस है जो जनरेट हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी कारणवश अगर आपको इनवॉइस को कैंसिल करना पड़े तो आपको उसको 24 घंटे का आपके पास टाइम रहता है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है जो क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर है वो सारे रिकॉर्ड आपके मेंटेन करके रखेगा भी कितने आपने जनरेट इनवॉइस कर दिए हैं, कितने आपने कैंसिल किए हैं, कैंसिल किया है तो कैंसिल का रीजन क्या है, तो सब कुछ आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लियर टैक्स के आपका जो डैशबोर्ड पे उस पर सब कुछ सेव रहेगा। तो आपको कोई अलग से हेडेक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा रहेगा क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप कोई ई इनवॉइसिंग जनरेट करते हो तो उसमें किसी भी टाइप की कोई एरर है, यानी कि मान लीजिए आपके कस्टमर है आपने उसका जो जीएसटी नंबर है वो गलत लिखा है या इनवॉइसिंग नंबर आपने वो इनवॉइस नंबर पहले किसी और को इश्यू कर चुके हो, वो इनवॉइस नंबर आप किसी दूसरे कस्टमर के साथ यूज कर रहे हो तो भी आपको एरर दे देगा, या आपने उस इनवॉइस के थ्रू अगर आपने पहले से जनरेट कर दिया था लेकिन कैंसिल कर दिया था, अगर आप बाद में उसी इनवॉइस को दोबारा यूज कर रहे हो तो भी आपको एरर दे देगा। यानी कि किसी भी टाइप की अगर आपने कोई गलती करी है इनवॉइस को मेंटेन करते वक्त, इनवॉइस को जनरेट करते वक्त, तो क्लियर टैक्स आपको एरर देगा और आप उस क्लियर टैक्स को ऑन द स्पॉट उसी विंडो पर उसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये भी अगर आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करते हो, टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आप क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर साथ में जरूर यूज करें। दोस्तों अगर आप क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर का डेमो लेना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपके जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इनसे भी कॉन्टैक्ट करके आप डेमो ले सकते हो। अगर आप दोस्तों सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हो तो भी आपका उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जैसे अगर आप हमारे लिंक से इसको परचेज करते हो
तो आपको 10% का डिस्काउंट है वो अलग से मिलेगा। तो दोस्तों अब अगर हम बात कर रहे हैं भी ई इनवॉइस है जो किस कंडीशन में और कब करना है, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ में करना है। तो दोस्तों जो इनवॉइस इश्यू करना है आपको, सबसे पहले हम इसमें इनवॉइस आते हैं। अब यहां पे आ गए डॉक्यूमेंट भी। डॉक्यूमेंट में आपको एक तो टैक्स इनवॉइस अगर आप इश्यू कर रहे हो तो आपको आईआरएन नंबर यानी कि इनवॉइसिंग बनानी जरूरी है। अगर आपको टैक्सेबल डेबिट नोट है या फिर क्रेडिट नोट है इश्यू कर रहे हो तो भी आपको ई इनवॉइसिंग बनानी कंपलसरी है। और सबसे पहले जब इनवॉइसिंग आप ई इनवॉइसिंग बनाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट का नाम भी देना पड़ेगा, अभी आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हो या फिर डेबिट नोट बना रहे हो या फिर क्रेडिट नोट बना रहे हो। तो ये किसके लिए कंपलसरी रहेगा, ये भी यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये B2B के लिए यानी कि बिजनेस टू बिजनेस के लिए, और उसके बाद में बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि किसी आप गवर्नमेंट के साथ आपने गुड्स को सप्लाई किए तो भी आपको ई इनवॉइस देना पड़ेगा, या फिर आप कोई एक्सपोर्ट के इनवॉइस तैयार कर रहे हो तो भी ई इनवॉइसिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब अगर बात करें भी जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा जो वर्किंग करेगा वो ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। ईआरपी में वर्किंग करेगा, जैसे टेली सॉफ्टवेयर हो गया, सेप हो गया, ओरकेल हो गया। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर में ये जो क्लियर टेक्स है वो डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर के साथ जो कनेक्टिविटी इसकी क्लियर टेक्स की टीम के द्वारा कनेक्टिविटी कर दी जाएगी, जैसे कि आप एक क्लिक के साथ ही डायरेक्ट आपकी इनवॉइस के पोर्टल पर पहुंच जाओगे और इजीली तरीके से कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस क्लियर टैक्स का मिलेगा यानी कि आप बल्क में कर सकते हो। अगर आपने 50 इनवॉइस किए तो 50 इनवॉइस को आप वन टाइम सेलेक्ट कीजिए और इसका काम है जो आप क्लियर टैक्स को सौंप दीजिए, बाकी का काम है जो क्लियर टैक्स ऑटोमेटिक करेगा और सभी की इनवॉइसिंग है जो ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। तो दोस्तों अगर आप पहले से क्लियर टेक्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो किस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आप नए यूजर हो, क्लियर टेक्स को पहली बार यूज करोगे तो आप उस सॉफ्टवेयर का डेमो जरूर यूज करके देखिएगा। डेमो के लिए मैंने इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप इनसे भी कॉन्टेक्ट करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस दोस्तों के साथ इस क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें।